So as ma'am has already mentioned that phase two will start after the declaration of CUET result, but do not expect it soon after the result has been declared. You know, we also take some time for data integration and other things. So we'll notify when the phase two will start. So please look at the website of University of Delhi. We will release an official notice which will let you know that yes, now second phase has begun. So in this, you have to again log into your dashboard and do the subject mapping. So what is the subject mapping? See, this is you have to let us know that what all subjects you have read in class 12 and in which all you appeared in CUET. So if you have already read the bulletin of information carefully, आपको पता ही होगा कि जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12 में परीक्षाएं दी हैं, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को CUET में। तो आपको दो पेज दिखाई देंगे, लेफ्ट और राइट पे। लेफ्ट को आपके आपको अपने क्लास 10, 12 के सब्जेक्ट्स पढ़ने। आपने जैसे क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी है, आप लेफ्ट में पढ़ेंगे इंग्लिश, राइट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने किस लैंग्वेज में CUET दिया। सो वी आर रिज्यूमिंग कि आपने इंग्लिश में ही दिया, तो आप वहाँ पे भी इंग्लिश लिखेंगे। ऐसे फिजिक्स तो आप फिजिक्स से मैप करेंगे, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से मैप करेंगे, और इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट्स मैप करने। सो एलिजिबिलिटी आपको उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी कि कितने प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हैं। आपको उसकी एलिजिबिलिटी दिखेगी, और उसके बाद सबको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, जो आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी है जिन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो प्रोग्राम एक एस्पेक्ट है और कॉलेज दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे इकोनॉमिक्स से बीकॉम ऑनर्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, और वो आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सो प्रोग्राम प्लस कॉलेज इज वन कॉम्बिनेशन विच यू हैव टू मेक। लाइक दैट आप कितने भी कॉम्बिनेशन भर सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हैं, आपको वो सारे आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। आप उनको कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और आप उनको फिर प्रेफरेंस वाइज अपनी लगाते जाइए, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग फेज। इसी से इस फेज का नाम भी आया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। जिस प्रोग्राम जिस कॉलेज में आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसको सबसे ऊपर रखें। उसके बाद जो आपकी सेकेंड प्रेफरेंस है, फिर थर्ड प्रेफरेंस है, एंड सो ऑन। आपको प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम बहुत सारे और पेजेस से भी इंफॉर्मेशन आएगी और फ्रंट से कि ऐसे प्रेफरेंस भरे, ऐसे प्रेफरेंस भरे, पर आपको प्रेफरेंस भरते हुए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो कौन सा प्रोग्राम है और वो कौन सा कॉलेज है जहां आप सबसे पहले जाना चाहते हैं। आप उसी ऑर्डर को फॉलो करें और उसी के हिसाब से प्रेफरेंसेस लें। और उसके बाद आपको उन प्रेफरेंसेस को सेव करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें सेव करें, आप उन्हें सेव करते जाइए। आप बीच बीच में भी सेव कर सकते हैं, आप उन्हें सेव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सो जब आप ये देखेंगे, आपको उसमें सारे प्रोग्राम्स कॉलेज प्रेफरेंसेस दिख जाएंगे। ये अभी हमने सारा बता दिया। इसके बाद फिर हम आपको एक सिमुलेटेड रैंक दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों की ये शिकायत आती है कि हमें पता ही नहीं लग रहा उस कोर्स में कितने बच्चे हैं, हमसे आगे कितने बच्चे हैं, हमें वो प्रोग्राम मिलेगा या नहीं। सो वंस दिस प्रेफरेंस फिलिंग फेज इज ओवर, आफ्टर द लास्ट डेट, आपके डैशबोर्ड पर भी आप एक सिमुलेटेड रैंक देख पाए। जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, आपके रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप वहां पे लगभग, तो वो एक सिमुलेटेड रैंक दिखेगी। इसके बाद हम दोबारा इनको मौका देते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, फिर हम आपको फिर एक मौका देंगे। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोग्राम सबसे ऊपर भरा था, आपने देखा कि भाई मेरा रैंक तो कुछ 1 लाख में आ रहा है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो आप उसको रीविजिट करें, अपनी रैंक्स को रीशफल करें, जो प्रेफरेंसेज आपको और लग रहे हैं, आपको मिल रही है, वो आप ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, जस्ट प्योरली फ्री। तो आपके पास ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी अपनी प्रेफरेंसेस को रिवाइज करने की। आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और री ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सबसे जरूरी जो काम करना है, आपको सेव करना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर प्रेफरेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।